हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये है इंडियन रिटेल यूनिट आईफोन 11 ग्रीन कलर में। ये जो आईफोन 11 मेरे पास है, ये वाला 128 GB वाला वेरिएंट है और कलर है ग्रीन। बॉक्स बहुत ही आपको प्यारा देखने मिलेगा। सबसे पहले ये जो प्लास्टिक है बॉक्स पे चढ़ा हुआ, इसको निकालते हैं और कर देते हैं साइड में। बॉक्स आपको जो है इस बार का बहुत ही अच्छा देखने मिलेगा, बहुत ही प्लीजिंग टू द आई है। वाइट एज वेल एज जो कलर आपके आईफोन का होगा वो आपको देखने मिलेगा। आईफोन, एप्पल लोगो, सब कुछ वही कलर में देखने मिलेगा जो कलर का आपका आईफोन है। बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है इसका वेरिएंट 128 GB, और यहाँ पे इसके इंपोर्टर का नाम, एड्रेस पूरा दिखा हुआ है, जैसे आपको इंडिया में देखने मिलना चाहिए। MRP है इस वाले वेरिएंट का तकरीबन 70,000 रुपीज़, जो कि आपको अभी करेंटली उसी प्राइस में मिलेगा कैशबैक ऑफर्स वगैरह छोड़ के। ये है आईफोन 11 ग्रीन कलर में, जिसको हम साइड में रखते हैं। बॉक्स के अंदर आपको टिपिकल एप्पल फैशन में जो डॉक्यूमेंट्स देखने मिलते हैं, जो एप्पल स्टिकर्स देखने मिलते हैं, वो देखने मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्लो चार्जर 5 वॉट का देखने मिलता है। फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन एप्पल ने यहाँ पे दिया एक 5 वॉट का स्लो चार्जर। आप आईपैड के चार्जर से भी इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटनिंग ईयरबड्स देखने मिलते हैं आपको, जिसको एप्पल बोलता है ईयरपॉड्स। और यहाँ पे एक लाइटनिंग टू USB केबल देखने को मिलता है, जिससे आप चार्जिंग, डेटा सेविंग वगैरह कर सकते हैं। अब नज़र डालिए दोस्तों इस ग्रीन कलर के आईफोन 11 पे। बहुत प्यारा कलर है यहाँ पे ग्रीन कलर। आपको पूरा ग्रीन कलर, येलो कलर, सारे कलर्स का मैंने कलर कंपैरिजन दिखा चुका हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देखने मिलेगा। कैमरा बम जो है उसके अतराफ का ग्लास आपको फ्रॉस्टेड देखने मिलता है, जबकि जो बैक ग्लास है वो कम्प्लीटली ग्लॉसी है। और सेंटर में दिया है यहाँ पे एप्पल लोगो, जो कि अभी मेरे आईज़ को पूरी तरह से सेट हो गया है। मुझे बिल्कुल भी आउट ऑफ द प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्लीप वे की और एक सिम ट्रे देखने मिलेगा। यहाँ पे एक सिंगल सिम एंड एक ई सिम, यानी कि डुअल सिम का सपोर्ट है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिले एक साइलेंट स्विच, एक वॉल्यूम रॉकर और बाकी दो एंटेना बैंड्स। बॉटम में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सेंटर में देखने मिलेगा एक लाइटनिंग पोर्ट। राइट हैंड साइड वाला जो स्पीकर ग्रिल है और लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रिल है, वो माइक्रोफोन के लिए है। फोन का जो टॉप है दोस्तों, कंप्लीटली क्लीन है। यहाँ पे कोई भी एंटेना बैंड्स नहीं है दूसरे स्टेनलेस स्टील वाले आईफोन जैसा, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम का डिजाइन है, तो साइड में भी यहाँ पे इन्होंने एंटेना बैंड्स दिया है। ग्लास बैक पे ऑब्वियसली पीछे एंटेना बैंड्स नहीं दे सकते, तो डिजाइन मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा प्यारा लगा इस वाले आईफोन का। दोस्तों फटाफट से इस फोन को ऑन कर देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे फोन को टर्न ऑन कर दिया, सेटअप कर दिया। सबसे पहले आपको मैं सेटिंग्स में लेके चलता हूँ, सेटिंग्स में लेके बताता हूँ कि फोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने मिलेगा iOS 13.0 पे। और 128 GB का अगर आप फोन लेते हो तो 116 MB, 116 MB आपको फ्री स्टोरेज यहाँ पे मिलेगा, अवेलेबल फ्री स्टोरेज। दोस्तों इस फोन का जो इंटरफेस है, जो UI है, टिपिकल एप्पल फैशन में दोस्तों, सारे iOS डिवाइसेस एक जैसे ही आपको नजर आएंगे। जो भी नॉच वाले फोन्स हैं एप्पल के, उसमें इसी तरीके का आपको जेस्चर सपोर्ट देखने मिलेगा। सारा कुछ जो है सॉफ्टवेयर वाइज वैसा ही देखने मिलेगा। और यहाँ पे भी जो 3D टच है, जो एक्चुअल में 3D टच नहीं है, हैप्टिक टच है, लेकिन क्योंकि iOS 13 में 3D टच वाले फीचर्स आ गए हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। मुझे इसमें कोई भी ग्लिचेस वगैरह नज़र नहीं आए, एकदम इसका जो तरीका है चलने का सही है। डिस्प्ले पे लोगों को बहुत सारे सवाल है कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, ब्राइटनेस कैसी है, कलर्स कैसे है, तो यहाँ पे आईफोन 10 के साथ मैं कंपेयर करके आपको बता देता हूँ। आईफोन 10, 10S और आईफोन 11 प्रो के अंदर भी सेम डिस्प्ले लगा हुआ है, OLED पैनल। और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कलर्स और इसका ब्राइटनेस कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों डिस्प्लेस के अंदर। फेस आईडी स्कैनिंग जो है दोस्तों, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगी मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला फेस आईडी स्कैन जो है कितना फास्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम दूसरा फेस आईडी स्कैन भी करेंगे तो बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट है आईफोन 10 सीरीज़ या 10S सीरीज़ के मुकाबले, ये काफ़ी फास्ट लगा मुझे। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि कैमरा है, जो कि मेजर अपग्रेड है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दो लेंस देखने मिलते हैं कैमरा में, एक वाइड एंगल और एक अल्ट्रा वाइड एंगल। यहाँ पे कैमरा का जो UI है वो भी यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे जो एरो दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको निकल के आते हैं, और यहीं से आप फिल्टर्स, टाइमर और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो 16:9 फुल स्क्रीन वाले फोटोज़ जिनको लेने का शौक है वो भी यहाँ से कर सकते हो, स्क्वायर फोटोज़ ले सकते हो, सारे टॉगल्स यहीं पे आपको दिए गए हैं। लाइव फोटोज़ को ऑटो रख सकते हो या ऑन ऑफ़ कर सकते हो यहीं से, और फ्लैश को भी ऑटो या ऑन ऑफ़ कर सकते हो यहीं से। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हैंडी दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाइव को ऑन ऑफ और फ्लैश को टॉगल करने का ऑप्शन आपको मिलता है। कैमरा में आपको देखने मिलते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक वाइड एंगल लेंस और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना नज़दीक लेंस रखा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया जो है ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कैप्चर करती है। और इस तरीके से आप जो है अलग अलग लेंसेज के बीच में स्विच कर सकते हैं और डिजिटल जूम इन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो जूम इन के लिए आप डिजिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट लाइटिंग जो मोड्स है
फ्रंट एज वेल एज रियर फेसिंग कैमरा में यहाँ पे 6 दिए हुए, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रो के मुकाबले यहाँ पे कोई भी चीज़ की कमी नहीं आपको मिलेगी कैमरा के अंदर। फोटो इस तरीके से आप ले सकते हो और इसको टैप एंड होल्ड करेंगे जैसे आप इंस्टाग्राम में करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो फोटो के शटर पे, तो ऑटोमेटिक वीडियो मोड में चला जाता है। तो ये इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनाने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। और इसमें आप जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हो जैसे आप इंस्टाग्राम में कर सकते हो, और इस मोड में भी आप वीडियो लेते टाइम फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रंट फेसिंग कैमरा पे एक बार मैं आपको बताता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है और फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी इसमें आप वीडियो में फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप नज़र डालेंगे फ्रंट फेसिंग कैमरा में तो सेम चीज़ यहाँ भी पॉसिबल है, और फ्रंट फेसिंग कैमरा में बटन दिया है जिससे आप वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो फ्रंट फेसिंग कैमरा में। जैसे आप उसको लैंडस्केप में करते हो, एक ग्रुप के साथ सेल्फी लेना है सपोज आपको, तो ऑटोमेटिकली ये वाइड एंगल में चला जाता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जिसको एप्पल बोलता है स्लो फी। रियर फेसिंग कैमरा का जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन शूट कर सकता है 4K 60fps है दोनों लेंसेज के लिए, तो ये बहुत कमाल की चीज है। और स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो 1080p 240 फ्रेम्स पर सेकंड की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, और फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी आप 4K 60fps के वीडियोस ले सकते हो। कैमरा के अंदर जो किलर फीचर दिया है यहाँ पे वो नाइट मोड का है जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, आपको नाइट मोड में जाके फोटोज लेने की जरूरत नहीं एंड्रॉइड फोन की तरह, यहाँ पे ऑटोमेटिक नाइट मोड में चला जाता है। और यहां से आप जो है लाइव व्यू में नाइट मोड को टॉगल कर सकते हो जितना ब्राइटनेस आपको चाहिए उस हिसाब से, और यहां पे आपको क्लिक करने के बाद आपके हाथ को स्टेबल रखना है और फोटो आपकी आ जाएगी नाइट मोड में। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा जो है इस फोन के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया हूं कि आईफोन 11 इंडिया में किस तरीके से आएगा और क्या क्या उसमें जो है आपको फीचर्स देखने मिलेंगे। एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू वाला वीडियो था। आपको आगे जाके इस फोन के बारे में क्या कुछ देखना है, कौन से टाइप के वीडियोस देखना है, क्या जानना चाहते हैं आप इस फोन के बारे में, इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों आप में से जो लोग भी 2019 के आईफोन्स कंसिडर कर रहे हो वो इस फोन को जरूर अपने लिस्ट में रखे होंगे, और कुछ लोग जो है पुराने आईफोन से कंपैरिजन चाहते हैं, तो किन आईफोन से आप कंपैरिजन चाहते हो आईफोन 11 का, ये भी आप नीचे लिख के बता सकते हो, या आईफोन 11 के बारे में ही स्पेशली आप क्या जानना चाहते हो वो भी आप लिख के बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं आईफोन 11 के कलर्स के बारे में, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया हूँ लेकिन बाकी सारे कलर्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उन कलर्स में से अगर आपको एक चूज करना है और आपको पता नहीं कि वो कलर्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि मैंने कल एक एप्पल स्टोर विजिट किया इंडिया में और वहाँ पर भी सारे कलर्स जो है डिस्प्ले पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा शायद, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ स्पेशली आईफोन 11 के कलर कंपैरिजन का। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पहले कमेंट में उसका लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आईफोन 11 परचेज करना है ऑनलाइन तो उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।